हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं पॉलिटी की जानकारी चैनल। दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करूं, वीडियो चालू करूं, इससे पहले आपको बता दूं कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अन्य दोस्तों को शेयर करें। सब्सक्राइब करने से दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा आपको मिलती रहेगी, बेल आइकन दबाने से जो भी वीडियो बना के जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और शेयर करने से अन्य दोस्तों को भी जानकारी मिलेगी। यदि आप पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, नया मन बना रहे हैं या पोल्ट्री फार्म खोल चुके हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे दिन की जानकारी, क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या मेडिसिन देनी है और किस तरह से वट को रखना। तो सबसे पहली बात तो मेडिसिन पे आती है दोस्तों। मेडिसिन जो हमें पहले दिन चलाई थी वही दूसरे दिन चलानी है, वही तीसरे दिन चलानी, तीन दिन तक हमको सेम चलाना। पहले दिन कल पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ क्या क्या मेडिसिन दिया था, अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने एंटीबायोटिक दिया था, स्टेजवेल दिया था, मीठा सोडा ऐड किया था उसमें, इसके बाद में बी कॉम्प्लेक्स दिया था, ठीक है, सार्गोफ्राइल दिया था, ठीक है। यही मेडिसिन हमें दूसरे दिन भी देना है, यही मेडिसिन तीसरे दिन भी देना है। तो ये हो गई मेडिसिन की बात। दोस्तों आगे चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मेरा वट दूसरा दिन है, मैं अभी इसको बॉक्स में से निकाल रहा हूँ, कितना बढ़िया दिख रहा है, देखिए वट दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों मार्च का महीना है और सर्दी पड़ रही है, अभी मौसम ठंडा है कुछ, क्योंकि कहीं पे बर्फबारी हुई है और इसके बाद में पानी का मौसम भी हो रहा है, तो मौसम ठंडा होने के कारण मैं उसको क्या बॉक्स में रखा था, कल मेरे यहाँ वर्ड आया था, मैंने बॉक्स में रखा था, अभी निकाला। हमें अगर मौसम ठंडा रहे तो दो तीन दिन बॉक्स में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं होता है उससे, बट ग्रोथ कर लेता है। आप ये ना सोचें कि उसको दाना नहीं मिलेगा तो बट कमज़ोर हो जाएगा। यदि सर्दी पड़ रही है और मौसम ज़्यादा ठंडा है तो आप जितनी क्वांटिटी में जहाँ से वहाँ से हेचरी से चिक्स आता है उतनी क्वांटिटी में भर के आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, हमने पेपर पे दाना दिया था, आज भी हमने पेपर पे दाना भी लगाया, साथ में ये देखिए ये बर्तनों में भी दाना लगाया इस तरह से। इस पे लगाने से क्या आज ये वट दाना खाना सीख जाएगा, इसमें कुछ दाना नीचे से खाएगा, कुछ इसमें से खाएगा, तो तीसरे दिन क्या है कल के बाद में हम पेपर हटा देंगे तो ये दाना फिर इसी में से खाता रहेगा। अगली बात, नेक्स्ट बात दोस्तों ये है, देखिए इस तरह से वट क्या है, ड्रिंकरों में से पानी निकलता है तो ये नीचे गीला कर देता है, ये बहुत खतरनाक और हानिकारक होता है, तो ये विशेष ध्यान रखें गीला ना होने दे। यदि कहीं पे गीला होता भी है तो इस तरह से पेपर को, ड्रिंकर को उठा के पेपर को बदल के सूखा पेपर लगाना है। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, विशेष ध्यान रखें कि गीला ना होने दें, गीले से बहुत नुकसान होता है और गीले के साथ में पर्दे का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर मौसम ठंडा रहे तो आपको पर्दा नहीं उठाना है तीन दिन तक। अगर दिन में मान लो मौसम ठीक होता है, धूप निकलती है, अच्छा मौसम रहता है तो एक साइड का पर्दा आप उठा सकते हो, बाकी आपको पर्दे नहीं उठाता। और वट को इकट्ठा ना होने दें, ध्यान रखें शाम को 10 बजे के बाद में ही वट को बॉक्स में डालें और सुबह दोस्तों 8 बजे से पहले निकाल दें, सारी तैयारी कर लें, 8 बजे से पहले आपको पानी लगा दें, बर्तन धुल के दाना लगा दें और जैसे ही 8 बजता है, धूप निकलती है, 8 साढ़े 8 बजता आप बॉक्स में से चिक्स को निकालेंगे और आप देखेंगे कि मॉर्टेलिटी आपकी यदि 10% हो रही है तो 1% पे आ जाएगी, यदि 10 वर्ड मर रहा है तो 1 वर्ड ही मरेगा आपका। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, टाइम से किस टाइम हमें वर्ड को बॉक्स में भरना है, किस टाइम निकलना है, और ये 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं करना, हमें ज़्यादा दिन बॉक्स में नहीं भरना है और उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें कि ज़्यादा नहीं, कम से कम वट उसमें जितना हेचरी से आता है उससे एक दो कम ही डालें, क्योंकि वट का साइज बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये थी दूसरे दिन की जानकारी, अब मैं आपको हर तरह इसी दिन की जानकारी देता रहूँगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता चले, और आपकी कुछ भी अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।